पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, और जिसको हम सिंपलीफाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से, और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एनी कंपिटेटिव एग्जाम्स, नेट, जेआरएफ, गेट, बीएससी, बीटेक। ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई भी फॉर्म जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास 0x0 की फॉर्म में आंसर आ जाए, या infinity by infinity की फॉर्म में आंसर आ जाए, या infinity minus infinity आ जाए, 0x infinity आ जाए, और इन्फिनिटी की भी पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सभी फॉर्म्स हमारी क्या कहलाती हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, कैसे सिंपलीफाई करेंगे। देखिए, x minus sin x by x³, लिमिट x टेंड्स टू 0 को हमें सिंपलीफाई करना है। हम यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पुट करें तो क्या बनेगा, 0 minus 0 sin 0, 0 होता है 0, x की वैल्यू पुट करो 0, तो ये हमारे फॉर्म कैसी होगी, 0x0 फॉर्म होगी, और जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 0x0, infinity by infinity, इनमें से यहां तक कोई भी फॉर्म हमारे पास हो, हम सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना, एल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दो और फिर लिमिट अप्लाई करो। तो देखो, हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, डिवाइड बाय 3x²। अब फिर से लिमिट पुट करो, अब ये क्या बनेगा, cos 0 क्या हो गया, 1, 1 माइनस 1 फिर से 0, 0 बाय 0, तो ये अगेन हमारे पास कैसी आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 बाय 0 आ गई। तो आप क्या करोगे, फिर से करो अप्लाई रूल, अगेन अप्लाइंग बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमने जब तक लगाना है जब तक हमारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। ध्यान से देखना, आप फिर से अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव करो 0, cos का डेरिवेटिव करो, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाय 6x। फिर से अप्लाई करो, साइन 0 0, x की जगह 0, फिर से हमारी क्या बन गई, 0x0 फॉर्म बन गई। अगेन क्या करो आप, अगेन अप्लाइंग बाय एल हॉस्पिटल रूल। मैंने आपको भी बताया हमें एल हॉस्पिटल रूल जब तक अप्लाई करना है जब तक हमारे पास सिंपल आंसर ना आ जाए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें यू बाय वी फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हमारे पास न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। अब करो अप्लाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स, डिवाइड बाय 6 का क्या हो गया, 6 डेरिवेटिव हो गया। अब लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर, कोस 0 1, तो हमारे पास 6, तो दिस इज योर 1/6 आंसर। हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ही आंसर आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ध्यान से देखो, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का। अगर हमारे पास 0x0 हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो हम सिंपल उसको इस तरह सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो अगला थर्ड क्वेश्चन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से होगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन को लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन हमारे पास 1x² माइनस 1x sin² है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें फिर से अप्लाई करना है। देखिए, लिमिट को पुट करो, हम जैसे ही इसमें लिमिट को पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए पुट करो, 1x0 infinity, तो ये हमारे पास कैसी बनेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और ये भी कैसी है, हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सिंप्लीफाई करने के लिए जब कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो तो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, सबसे पहला स्टेप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। तो लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लेते हमारे पास क्या बन गया, x² sin² x, ये इधर आ जाएगा sin² x - x² ये बन गई हमारे पास। अब सभी को पता है साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, वेरी इजी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये चीज क्या बन जाएगी, साइन एक्स बाय एक्स 1। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, इस तरह से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। सिंप्लीफाई कर लिया, अब इस पे लिमिट पुट करो, ऊपर बन गया 0, नीचे बन गया 0, तो ये फिर से क्या बन गई, 0x0 फॉर्म। और 0x0 फॉर्म बनते हैं हम क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अभी हमने आपने सीखा है एल हॉस्पिटल रूल कैसे आया। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो ध्यान से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग न्यूमिनेटर का, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का टू एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब, ये बन गया हमारे पास। अब देखो फिर से लिमिट अप्लाई करो। देखो अब ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या बन गई, साइन टू एक्स, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन टू एक्स, फिक्स गुड। अब लिमिट पुट करो एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाय जीरो, ये फिर से क्या बन गई, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। क्या करेंगे हम, अगेन अप्लाई बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का यही है हमारे पास, जब तक लगाते जाना है जब तक हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर ना आए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, करो अप्लाई, ध्यान से देखना इसको अप्लाई कर रहा हूँ। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, साइन टू एक्स का बनेगा कोस टू एक्स, और टू एक्स का टू, माइनस टू एक्स का टू डिवाइड बाय फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करो फिर से, लिमिट पुट करते ही क्या बनेगा, कोस जीरो वन, तो टू हमारे पास टू माइनस टू जीरो बाय जीरो, तो फिर से क्या बन गई, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा तो रहे हैं हम, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, टू कॉमन लेके काट दो। जैसे ही आप टू कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करोगे, हमारे पास ये बन जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू साइन टू एक्स, वन का जीरो, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एक्स, टू से सिक्स कैंसिल। अब देखो ध्यान से फिर लिमिट अप्लाई करो, क्या बनेगा, अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म। सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करोगे, अब से फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो अगेन अप्लाइंग बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब हमारे पास देखो आंसर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो डेरिवेटिव करो इसका, हमारे पास टू कैंसिल आउट हो गया है, ट्वेल्व का हमारे पास सिक्स आ गया है, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कोस टू एक्स और इन टू में टू नेगेटिव साइन, सिक्स एक्स का सिक्स, लिमिट पुट करो हमारे पास कोस जीरो वन, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस टू बाय सिक्स, दैट इज माइनस वन बाय थ्री, दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास चाहे ये वाली कंसेप्ट हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, सिंप्लीफाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जीरो इंटू इंफिनिटी हो तो भी हमारे पास सही प्रोसीजर बनेगा, इंफिनिटी को मैं लिख सकता हूँ वन बाय जीरो, दैट्स गुड, इंफिनिटी को लिख सकते हैं आप वन बाय जीरो, तो वन बाय जीरो सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास अगेन ये क्या बन जाएगी, इंफिनिटी को लिखो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। फिर से आप वही रूल लगाओ और सिंप्लीफाई कर दो। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो ये तीन कंसेप्ट के होंगे, चाहे इंफिनिटी की पावर जीरो हो, चाहे जीरो की पावर जीरो हो, चाहे वन की पावर इंफिनिटी हो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स रेस टू द पावर एक्स, लिमिट पुट करो क्या फॉर्म बन गई है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट ये जो आंसर है वाई के इक्वल आ गया। अब वाई के इक्वल आ गया, अब कभी भी पावर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ले दो, लॉगरिथम क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा पावर को, तो हमारा क्वेश्चन बन गया लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर एक्स। अब पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स लॉग ऑफ एक्स। अब अप्लाई करो एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स जीरो हो गया, लॉग जीरो क्या होता है, इंफिनिटी माइनस का, तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म। अब क्या करो यहाँ पर, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल तो लगेगा नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, लोग एक्स इंटू एक्स है, कैसे करोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई, दिक्कत तो यहीं पे ही है, तो क्या करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय वन बाय वन बाय एक्स, इस एक्स को मैंने चेंज कर दिया ताकि जो मेरी फॉर्म बन गई ये बन गई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसी फॉर्म हो तो हमें ये दोनों फॉर्म में से कोई फॉर्म बनानी है और सिंप्लीफाई करना है। अब लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सिंप्लीफाई करके ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज
एक्स स्क्वायर बाय एक्स नेगेटिव दैट इज माइनस ऑफ एक्स, लिमिट पुट करोगे आंसर क्या आ गया जीरो। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं यही आंसर रख देते हैं आंसर, लेकिन ये गलत है। हमारा ये आंसर किसका आया है, ये आंसर आया है लॉग ऑफ वाई का। मुझे आंसर चाहिए किसका, वाई का। अब मेरे पास लॉग ऑफ वाई आंसर आ गया जीरो, तो वाई क्या हो गया ई रेस टू द पावर जीरो, और वो क्या होता है वन। तो मेरा वाई ही क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की पावर एक्स, इसका आंसर आ गया वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यहां आंसर ना छोड़ के उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास सभी कंसेप्ट सिंप्लीफाई हो जाएंगे अगर हमारा ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।